ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? ओके, सो लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कवर कर लिया था, हमने अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया था, ठीक है। आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा चैप्टर है हमारे पास? वो हमारे पास है मैटर एंड मटीरियल्स, ठीक है। कौन सा चैप्टर है हमारे पास? मैटर एंड मटीरियल्स, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर्सेस के बारे में। तो आपको पता है फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स के बारे में आपको कोई आइडिया है कि फोर्स किस चीज को कहा जाता है? ओके, सो नहीं आइडिया, तो हम फिर आज स्टार्ट करते हैं क्लास, और इसमें हम पढ़ते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। सो गौर से सुनिएगा, अगर कहीं पर कुछ समझ ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स। Super scientist, I'm happy to meet you. Just as in the book, I'm going to help you learn about science. To have fun with science, click on one of the topics. Force is a push or a pull. If you push a toy truck, it will move. If you pull it back, it will move again. Okay, bachcho. सो फोर्स किसे कहते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फोर्स? सो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल, ठीक है। फोर्स क्या है? पुश और पुल, यानी किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना, जिससे क्या हो, वो ऑब्जेक्ट जो हो वो मूव कर जाए, ठीक है। क्या कर जाए? मूव कर जाए। पुश किसे कहते हैं और पुल किसे कहते हैं? सबसे मेन क्वेश्चन हमारा क्या आता है? व्हाट इज पुल और व्हाट इज पुश, ठीक है। तो पुश का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आगे की तरफ, यानी अपने से दूर धकेलना, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पुश, ठीक है। और पुल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना, ठीक है, अपने करीब लाना, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुल कहते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज को पुश करें या पुल करें और उससे कोई भी चीज मूव हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? फोर्स। जैसे आप आपको मैं कहता हूँ कि ये टेबल है, इसे आप दूसरी जगह पर करें, ठीक है, आप क्या करेंगे? उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे आप, उसके ऊपर जोर लगाएंगे और वो टेबल क्या होगी? आगे की तरफ मूव होगी। तो ये क्या है? ये फोर्स है, ठीक है। जैसे अब आप अगर हम पुश और पुल की बात करें, आप जैसे मार्केट जाते हैं, जैसे कि आप इम्तियाज गए, ठीक है, वहां पर क्या होता है आपके पास? सुपर मार्केट में क्या होती है? ट्रॉली होती है, ठीक है। आप क्या करते हो? आप ट्रॉली को आगे मूव करते हो, आगे की तरफ क्या करते हो? मूव करते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो? आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, क्या करते हो? फोर्स लगाते हो, जिसकी वजह से क्या होते हैं? वो ट्रॉली जो होती है आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है। और वो ट्रॉली आगे की तरफ मूव करती है, इसका मतलब क्या होता है? वो पुश हो रही है, ठीक है, इसे हम पुश कहेंगे। ये क्या है? आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्रिकेट क्रिकेट में बात करें, तो क्रिकेटर जो होता है, जो कि खेल रहा होता है, वो क्या करता है? वो बॉल को हिट करता है, जिससे क्या होता है? बॉल जो होती है वो आगे की तरफ जाती है, ठीक है, वो बॉल को आगे की तरफ पुश कर देता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पुश कहते हैं, और इसे हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम पुल की बात करें कि पुल कैसे कहते हैं, ठीक है। सो जैसे आप डोर को खोलते हैं, ठीक है, आपने डोर को क्या किया? खोला। आपने डोर को क्या किया? अपनी तरफ, अगर जैसे आपने अंदर से डोर को खोला, तो आपने क्या किया? डोर को अपनी तरफ किया, ठीक है, वो डोर आपकी तरफ आया, तो ये क्या था? ये पुल था। और ये भी कैसे काम हुआ? फोर्स के जरिए से आपने फोर्स अप्लाई की, जिसकी वजह से क्या हुआ? वो दरवाजा आपने अपनी तरफ खींचा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। इसके अलावा जब आप खेलते हैं, ठीक है, जब आप वो
रोप वाली गेम खेलते हैं जिसमें दो साइड्स पर टीम होती है और बीच में रोप होती है और वो उसे अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, वो उसमें भी क्या करते हैं, अपनी तरफ रोप को पुल करते हैं, और वो क्या करते हैं वहां पर भी फोर्स लगाते हैं, वहां पर क्या करते हैं वो जोर लगाते हैं, जिससे क्या होते हैं रस्सी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, पुल। और ये क्या है, इसमें भी आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास अगर रोज की बात करें तो हमारे पास रोज डिफरेंट तरह की चीजें होती है जिसमें हम फोर्सेस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसमें अगर हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो क्या है, वहां पर भी फोर्स लग रही है। या हम अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट बॉल को अगर हम हिट कर रहे हैं तो वहां पर भी क्या है, फोर्स लग रही है, ठीक है। इसके अलावा जब आप अपना होमवर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी फोर्स लगती है, ठीक है। वो फोर्स आपको क्या करती है, वो आपको लिखने में हेल्प करती है, ठीक है। This means forces make things move. Force